हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लगाता है तो वो आपको उसका प्रूफ भी देगा कि आपने कहाँ कहाँ उसकी वीडियो का कंटेंट कॉपी किया है। ठीक है, तो इस कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक के बारे में आज मैं आपको पूरी बारीकी से बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो पर किसी ने भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लगाया है तो उसका कारण ये होता है कि आपके वीडियो में कहीं ना कहीं उसका कंटेंट कॉपी किया गया है। तो यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक ये बिल्कुल खिलाफ है, आप किसी के भी वीडियो का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। और अगर आपके वीडियो पर क्लेम या स्ट्राइक आती है तो अब यूट्यूब ने रूल बनाया गया कि आपको उसका प्रूफ भी दिखाया जाएगा। तो मैं अभी आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि अगर आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लगाता है तो आपको उसका टाइमिंग बताएगा कि आपने कहां से कहां तक का उसका वीडियो कॉपी किया है। ठीक है, तो मैं आज आपको उसका प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक लगाई जाती है तो उसका प्रूफ किस तरीके से दिखाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब भी आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम करता है तो आपको उसका टाइमिंग दिखाया जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ उसका वीडियो कॉपी किया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे गूगल क्रोम पर, इसे ओपन करते हैं। इसके बाद हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर साइन इन करना होगा, जहाँ से हम अपने वीडियो मैनेजर में आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है, जो हमें क्लेम करता है वो कैसे दिखाया जाता है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर साइन इन करना होगा हमारे YouTube अकाउंट पर। ठीक है, साइन इन बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें हमारी जो भी आईडी रहेगी चैनल, उससे हमारे चैनल पर साइन इन करना है। चलिए मैं पासवर्ड सबमिट कर देता हूँ। मैंने पासवर्ड फिल कर दिया है, अभी ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा चैनल जो कि ओपन हो चुका है। अब हमें चलना होगा हमारे वीडियो मैनेजर में। ये रहा हमारा वीडियो मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो ये देखिए हमारे पास ये इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट, यानी कि जो कि कॉपीराइट नोटिस के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर हमारे चैनल पर अर्निंग भी चालू है और कॉपीराइट भी क्लेम किया गया है, जो हमारी रेवेन्यू है उसे शेयर किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है शेयरिंग रेवेन्यू। ठीक है, मैं इस कॉपीराइट नोटिस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो भी हमारे चैनल पर कॉपीराइट नोटिस या क्लेम किया जाता है उनकी लिस्ट यहाँ रहती है। तो मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें इसकी डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना होगा, इंक्लूड्स कॉपीराइट कंटेंट। ये देखिए यह हमारा वो जो टाइमिंग है वो हमें दिखाया गया कि हमने 3 मिनट 2 सेकेंड से 4 मिनट 5 तक इसे कॉपी किया गया प्ले मैच। इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए डायरेक्ट हमें उस टाइमिंग पर ले गया ये। यहाँ से हमारा वीडियो 4 मिनट 5 सेकंड तक कॉपी किया गया है। तो ये हमें इनके जो ओनर्स हैं उनने हमें क्लेम किया है शेयरिंग रेवेन्यू के लिए। ये देखिए ये जो उसके ओनर हैं उनका या जो भी म्यूजिक कंपोजिशन है उनका नाम है, देखिए सॉन्ग रोबोट रजनीकांत आइस। ठीक है, ऐश्वर्या जो भी है। तो इस तरीके से आपके चैनल पर भी अगर कॉपीराइट कंटेंट आता है तो आपको भी बिल्कुल दिखाया जाएगा कि आपने कहां से कहां तक इस वीडियो का
या जो भी सॉन्ग है, किसी भी अदर कंटेंट को आपने यूज़ किया है अपने वीडियो में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर आप किसी का वीडियो थोड़ा सा भी अगर कॉपी करते हैं तो इस तरीके से या तो क्लेम किया जाएगा, या स्ट्राइक लगाई जाएगी, या आपकी जो रेवेन्यू है उसे शेयरिंग पर डाल दिया जाएगा। मेरे इस पर मेरी जो रेवेन्यू उसे शेयर कर लिया गया है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा और उस कंपनी को भी जाएगा जिसका ये गाना मैंने आपको कल बताने के लिए बनाया था कि इसका कोई रिमिक्स वर्जन नहीं है। तो मैंने कल इसकी वीडियो डाली तो इस पर मुझे शेयरिंग रेवेन्यू का इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, तो सोचा आपको बता दिया जाए क्योंकि ये कॉपीराइट के ही अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा वहाँ पर कॉपीराइट नोटिस लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो ये कॉपीराइट के अंतर्गत ही आता है, इससे आपके चैनल पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपके जो वीडियो पर रेवेन्यू होती है उसे शेयर कर लिया जाता है। तो आप भी ध्यान रखकर कंटेंट बनाइए, किसी का भी कॉपी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में आप अभी स्ट्राइक लगाई जाती है और क्लेम किया जाता है। तो ये जानकारी आपको देनी थी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।